सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि डिप्लोमा एचआई का एनरोलमेंट फॉर्म आ चुका है। सभी विद्यार्थी अपने अपने संस्थान से संपर्क करें और जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होगी उसके लिए भी आगे इसमें सब बताएंगे कि आपको क्या क्या फीस फॉर्म और सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सेशन है जो 22 और 24 सत्र है अभी जो एडमिशन हुआ है उन सभी बच्चों का एनरोलमेंट फॉर्म आ चुका है, डिप्लोमा एचआई वालों का और डिप्लोमा आईडीडी वालों का इससे पहले आ चुका था, तो हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया था। तो और हम इस डिप्लोमा एचआई वालों का जो फॉर्म आया हुआ है इसके लिए भी हम आपको सूचना दे रहे हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सेम डॉक्यूमेंट्स एचआई और आईडीडी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स लगेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं। एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, इस पर जो है आपकी फोटोकॉपी होगी, सेल्फ अटेस्ट होगा और 12th की मार्कशीट, उस पर सेल्फ अटेस्ट होना है। जो कोई कैटेगरी में से बिलोंग करता है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड का बैक और फ्रंट साइड दोनों चाहिए जिसपे सेल्फ अटेस्ट होना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके मिनिमम 4 चाहिए और सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने से पहले आप लोग सारी संस्थानों से संपर्क कर लें। सभी विद्यार्थी अपने अपने संस्थान से संपर्क कर लें क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्योंकि इसमें जो है 5 दिन का वक्त मिला है। तो सभी विद्यार्थियों से ही हमारा निवेदन है कि वो अपने अपने संस्थान से संपर्क करें और अपना एनरोलमेंट फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि एनरोलमेंट फॉर्म वन टाइम के लिए होता है। यह जो है एक बार अगर फॉर्म आपने भर दिया तो 3 साल तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपका एनरोलमेंट नहीं हुआ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, यानी कि आपका सेशन 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपने संस्थान से संपर्क करके सभी लोग एनरोलमेंट फॉर्म अवश्य भरें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।